Hi guys, welcome back to YouTube channel. My name is Disha and I am Sana and we are the Dumb Dog. So guys, आज हम react करने वाले हैं Coke Studio के एक new song पर guys. Yes. And we are so excited because season 14 का ये पहला song होने वाला है and the title is तू झूम नसीबो लाल into आबिदा परवीन. Yes guys, so before okay. starting the video हम पहले बता दें कि हम लोग बहुत excited है season 14 के लिए because इसमें yes, बहुत सारे young artists आने वाले हैं, बहुत सारे youngsters भी आने वाले हैं. और मैंने बताया सुबह से इतनी ज्यादा Instagram पे stories देख ली हैं क्योंकि लोग ऑलरेडी देख चुके हैं Coke Studio का song और हमें अभी तक हमने नहीं देखा, आप लोगों के लिए वेट कर रहे थे. हमने सोचा गाइस इसमें जो आबिदा परवीन जी है उनको तो हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं, बट जो नसीबो लाल है उनको हम नहीं जानते. यस, हम नहीं जानते. यस, बट मैंने इसका नहीं थोड़ी सी बीट सुनी थी क्योंकि लोगों ने बहुत सारे स्टोरी डाल रखा था, ये वैसा थोड़ा अपबीट सा है. अच्छा। बट देखते हैं कि कैसा होने वाला है. बट मेरे को बड़ा अच्छा लगा था थोड़ी सी बीट से, अब मेरे को पूरा सुनने में देखते हैं क्या लगेगा. अब इसमें आबिदा परवीन मैम है तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी सो अमेजिंग. यस, बहुत एक्साइटेड है गाइस. हम सोशल न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो. यस, सब्सक्राइब. यस गाइस, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो. Coke Studio सीजन 14. तू झूम, लेट्स झूमे. ओ भाई, सेटअप. पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंस दे जावां. मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा दुनिया राजी करके कमले, फिर भी चैन नहीं आना. सारी खुशियां मिल जावन ते पीछे की रह जाना. सारी खुशियां मिल जावन ते पीछे की रह जाना. तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल में समझावा. तू झूम झूम line.
रियल मैजिक. इंडीड रियल मैजिक. सो पहले तू या मैं बोलती हूँ. तो दिस वॉज हैंड्स डाउन द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कोक स्टूडियो आई हैव एवर हर्ड. सही में मतलब इतना फ्री म्यूजिक, मतलब ऐसा लग मेरे को फील फ्री हो रहा था इसको सुनने के बाद. मतलब इतने मतलब इमोशंस एग्जैक्टली बॉडी, मतलब भाई यार बहुत अच्छा. एग्जैक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चल मैं बोलती हूँ, बीच में हमारी कट हो गई थी वीडियो, तो हमारे को भी थोड़ा हमने इतना डिस्कस कर लिया इसी टाइम पे, तो हमने कहा चल रुक जा वीडियो में बोलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना लाइक प्योर और मैजिकल इसका म्यूजिक था ना, मेरे को लिटरली इतना इमोशनल हो रहा था क्योंकि जो इसके लिरिक्स थे ना वो इतने रिलेट हो पा रहे थे खुद से. मतलब इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाइक मैजिकल थी, लग रहा था हमसे हमारी सोल से कनेक्शन हो रहा है और वो उसको समझा रहे हैं. इतना सोलफुल, इतना सूदिंग, मतलब बहुत फील हो रहा है. जो ये तो जो गाना था इसमें दोनों ही चीज इतनी धमाकेदार थी. और मतलब यार एक तो जो नसीबो लाल थी उनका गाना हमने फर्स्ट टाइम सुना और उनकी आवाज, उन्होंने स्टार्ट करा ना मेरे जो गूज़बम्प्स आए हैं. और इतनी मतलब जो पूरा सॉन्ग था ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एक एक लिरिक्स ना वो गा रहे थे और जो डांसर्स थे देवर ऑल वेरिंग ग्रीन, इतना हार्मोनियस, इतना पीसफुल. कोक स्टूडियो ने ये न्यू डाला इसमें अपना डांस वाला पार्ट भी. इट वॉज जस्ट सिंपल डांस, इट वॉज समथिंग जैसे सोलफुल सा, मतलब है ना जैसे मतलब रिलेटेबल जिससे तुम रिलेट कर सकते हो. बट गाइज इतना अच्छा. और जो नसीबो लाल की भी मैंने फर्स्ट टाइम उनकी आवाज़ सुनी हम लोगों ने, उनकी जो लाइंस थी इतनी ज़्यादा रिलेटेबल. एक तो उन्होंने लाइंस में लिखा होता कि सबनू क्या समझाना तू दिल नू समझा, मतलब ऐसी ऐसी लाइंस, वो तेनू लब जाना जो किस्मत में वो तेनू लब जाना तू बस दिल नू समझा, ऐसी ऐसी लाइंस थी. इतनी ज़्यादा रिलेटेबल और इतना ज़्यादा हम इमोशनल फील करते ना सॉन्ग के बीच में, ऐसा लग रहा था वाओ इतना सोलफुल. ऐसा लग रहा था मैं कोई और स्टेट में चली गई, कोई और जोन में चली गई हूँ. मतलब इतना ज्यादा बहुत बोलते हैं वीडियो के बीच में, बट इस टाइम लग रहा था कि कुछ मत बोलो, बस सुनो जो ये कह रहे हैं. इसके बाद भी मैं लिरिकल सुनने वाली हूँ इसका पूरा, टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लिरिक. दिस वॉज अमेजिंग यार, मतलब बहुत अच्छा था यार. मेरे को सीरियसली ना बिलीव नहीं हो रहा कि हमने सुन लिया. मेरे को लग रहा है कि अभी भी वो चीज चल रही है. Exactly, इस टाइम चल रही है. मेरे को इतना वो फील हो रहा है कि हम इतने लकी है कि हम इस टाइम में रहते हैं, कि हम इतने अच्छे आर्टिस्ट को सुन पा रहे हैं. एक्सेस, दिस शुडंट बी फ्री यार, इसके पैसे लो हमसे. बहुत अच्छा सना, अगर इसके पैसे लेते तो फिर कोई भी नहीं सुन पाएगा. बट यार इट इज, हाँ वैसे शी इज राइट, आई एग्री. और गाइज ट्रेंडिंग पे चल रहा है और ये डिजर्व करता है ट्रेंडिंग पे चलना. इतना अच्छा, सबसे बेस्ट प्रोडक्शन, मतलब सबसे बेस्ट सॉन्ग वीडियो होने वाली है ये कोक स्टूडियो की, क्योंकि मुझे बहुत धांसू लगी. इतना अच्छा यार, मतलब आविदा परवीन तो वैसे ही इतनी क्या कहने उनके बारे में, तो आपको पता ही होगा, वो तो लेजेंड है यार. हाँ एग्जैक्टली. बट नसीबो लाल यार मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि उनकी आवाज भी इतनी ज्यादा अच्छी है. सीरियसली वी डोंट नो मच अबाउट हर, बट यू नो सिंगिंग विद अ लेजेंड लाइक आबिदा परवीन, तो वो बिल्कुल यू नो उनके लेवल से मैच हो रही थी यार. मतलब इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा गाया. वी डोंट नो हर, इतना हमें नहीं पता कि वो, मतलब उनका नाम नहीं सुना हमने कभी. बट उन्होंने जो गाया वो बहुत ही शानदार गाया. और मेरे को एक और चीज़ बोली थी, जो इन्होंने न्यू ऐड करा ना पार्ट कोक स्टूडियो ने, वो डांसिंग वाला पार्ट, वो भी गाइस बहुत अच्छा था. मतलब सही में डाउन, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब इन दिस यार. पर बहुत अच्छा था. और सीजन 14 का स्टार्ट इतना अच्छा है, तो आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं सब कुछ. आई एम सो एक्साइटेड. सही में मेरा मन कर रहा है दोबारा करते हैं इस पे रिएक्ट. अगर आप दोबारा रिएक्ट चाहते हो तो कमेंट्स में दोबारा करते हैं रोज. सही में दिस वाज सो गुड गाइस. हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, बट आई गेस दिस इज इनफ. हाँ दिस इज इनफ आपको समझाने के लिए कि हमें कैसा लगा और आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट्स में बताओ, क्योंकि वी रियली वांट टू नो कि आप लोगों को कैसा लगा. हाँ बट जो असली में लगा ना वो दिल की बात है, वो हम कह नहीं पाएंगे इतना लाइक कैपेबल नहीं है हम, बट इट वॉज ब्यूटिफुल. पर अगर आपने हमारे साथ रिएक्शन देखा तो आपकी और हमारी दिल की फीलिंग वो सेम होगी. एग्जैक्टली, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि बॉडी में क्या फील हो रहा था जब वो चल रहा था ना. एग्जैक्टली, तू झूम 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 वाला पार्ट तो यार ऐसा लग रहा था मैं उड़ रही हूँ. फ्लाइंग, आंखें बंद करो बस सुनो. बहुत सही में, बहुत अच्छा यार. थैंक यू सो मच कोक स्टूडियो फॉर प्रोड्यूसिंग सच ग्रेट कॉन्टेंट. दिस इज वॉट वी नीड. एग्जैक्टली.
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कॉमेंट्स में बता के जरूर जाना. बाय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चल मैं बोलती हूँ, चल हमारी कट हो गई थी वीडियो तो हमारे को भी थोड़ा, हमने इतना डिस्कस कर लिया इसी टाइम पे तो हमने कहा चल रुक जा वीडियो बोलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना लाइक प्योर और मैजिकल इसका म्यूजिक था ना, मेरे को लिटरली इतना इमोशनल हो रहा था क्योंकि जो इसके लिरिक्स थे ना वो इतने रिलेट हो पा रहे थे खुद से. मतलब इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाइक मैजिकल थी, लग रहा था हमसे हमारी सोल से कनेक्शन हो रहा है और वो उसको समझा रहे हैं, इतना सोलफुल इतना सूदिंग, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है. जैसे ने बोला ना फ्री फील हो रहा है, धमाकेदार थी. और मतलब यार एक तो जो नसीबो लाल थी उनका गाना हमने फर्स्ट टाइम सुना और उनकी आवाज, उन्होंने स्टार्ट करा ना मेरे गूज़बम्प्स आए हैं. और इतनी मतलब जो पूरा सॉन्ग था ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एक एक लिरिक्स ना और वो गा रहे थे और जो डांसर्स थे देवर ऑल वेयरिंग ग्रीन, इतना हार्मोनियस, इतना पीसफुल. कोक स्टूडियो ने ये न्यू डाला इसमें अपना डांस वाला पार्ट भी. इट वॉज जस्ट सिंपल डांस, इट वॉज समथिंग जैसे सोलफुल सा, मतलब है ना जैसे नहीं वो नहीं मतलब रिलेटेबल जिससे तुम रिलेट कर सकते हो. बट गाइज इतना अच्छा. और जो नसीबो लाल की भी मैंने फर्स्ट टाइम उनकी आवाज़ सुनी हम लोगों ने, उनकी जो लाइंस थी इतनी ज़्यादा रिलेटेबल. एक तो उन्होंने लाइंस में लिखा होता कि सबनू क्या समझाना तू दिलनू समझा, मतलब ऐसी ऐसी लाइंस, वो तेनू लब जाना, जो किस्मत में वो तेनू लब जाना तू बस दिलनू समझा, ऐसी ऐसी लाइंस थी. इतनी ज़्यादा रिलेटेबल और इतना ज़्यादा हम इमोशनल फील करते ना सॉन्ग के बीच में, ऐसा लग रहा था वाओ इतना सोलफुल, ऐसा लग रहा था मैं कोई और स्टेट में चली गई, कोई और जोन में चली गई हूँ. मतलब इतना ज्यादा बहुत बोलते हैं वीडियो के बीच में, बट इस टाइम लग रहा था कि कुछ मत बोलो बस सुनो जो ये कह रहे हैं. इसके बाद भी मैं लिरिकल सुनने वाली हूँ इसका पूरा, टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लिरिक. दिस वॉज अमेजिंग यार, मतलब बहुत अच्छा था यार. मेरे को सीरियसली ना बिलीव नहीं हो रहा कि हमने सुन लिया, मेरे को लग रहा है कि अभी भी वो चीज चल रही है. Exactly, इस टाइम मेरे को इतना वो फील हो रहा है कि हम इतने लकी है कि हम इस टाइम पे रहते हैं कि हम इतने अच्छे आर्टिस्ट को सुन पा रहे हैं. एक्सेस दिस शुडंट बी फ्री यार, इसके पैसे लो हमसे. बहुत अच्छा सना, अगर इसके पैसे लेते तो फिर कोई भी नहीं सुन पाएगा. बट यार इट इज, हाँ वैसे शी इज राइट, आई एग्री. और गाइस ट्रेंडिंग पे चल रहा है और ये डिजर्व करता है ट्रेंडिंग पे चलना. इतना अच्छा, सबसे बेस्ट प्रोडक्शन, मतलब सबसे बेस्ट सॉन्ग वीडियो होने वाली है ये कोक स्टूडियो की, क्योंकि मुझे बहुत धांसू लगी. इतना अच्छा यार, मतलब आविदा परवीन तो वैसे ही इतनी क्या कहने उनके बारे में, तो आपको पता ही होगा वो तो लेजेंड है यार. हाँ एग्जैक्टली. बट नसीबो लाल यार मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि उनकी आवाज भी इतनी ज्यादा अच्छी है. सीरियसली वी डोंट नो मच अबाउट हर, बट यू नो सिंगिंग विद अ लेजेंड लाइक आबिदा परवीन तो वो बिल्कुल यू नो उनके लेवल से मैच हो रही थी यार. मतलब इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा गाया. वी डोंट नो हर, इतना हमें नहीं पता कि वो, मतलब उनका नाम नहीं सुना हमने कभी. बट उन्होंने जो गाया वो बहुत ही शानदार गाया. और मेरे को एक और चीज़ बोलनी थी, जो इन्होंने न्यू ऐड करा ना पार्ट कोक स्टूडियो ने, वो डांसिंग वाला पार्ट, वो भी गाइस बहुत अच्छा था. मतलब हैंड्स डाउन, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब इन दिस यार. पर बहुत अच्छा था और सीजन 14 का स्टार्ट इतना अच्छा है तो आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं सब कुछ. आई एम सो एक्साइटेड. सही में मेरा मन कर रहा है दोबारा करते हैं इस पे रिएक्ट. अगर आप दोबारा रिएक्ट चाहते हो तो कमेंट्स में दोबारा करते हैं रोज. सही में दिस वाज सो गुड गाइस. हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, बट आई गेस दिस इज इनफ. हाँ दिस इज इनफ आपको समझाने के लिए कि हमें कैसा लगा और आप लोगों को कैसा लगा, ये कमेंट्स में बताओ, क्योंकि वी रियली वांट टू नो कि आप लोगों को कैसा लगा. हाँ बट जो असली में लगा ना वो दिल की बात है, वो हम कह नहीं पाएंगे इतना लाइक कैपेबल नहीं है हम, बट इट वॉज ब्यूटिफुल. पर अगर आपने हमारे साथ रिएक्शन देखा तो आपकी और हमारी दिल की फीलिंग वो सेम होगी. एग्जैक्टली, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि बॉडी में क्या फील हो रहा था जब वो चल रहा था ना. एग्जैक्टली, तू झूम 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 वाला पार्ट तो यार ऐसा लग रहा था मैं उड़ रही हूँ. फ्लाइंग, आंखें बंद करो बस सुनो. बहुत सही में बहुत अच्छा यार. थैंक यू सो मच कोक स्टूडियो फॉर प्रोड्यूसिंग सच ग्रेट कॉन्टेंट. दिस इज वॉट वी नीड. एग्जैक्टली. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कॉमेंट्स में बता के जरूर जाना. बाय. बाय.